गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गणेश कुमार प्रत्येक दिन की तरह आज भी स्नान कर लिया हूँ, कपड़ा बड़ा बढ़िया से पहन लिया। अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। नाश्ता में क्या करना कर रहे हैं देखिए, एक चना है और ये गाजर है। तो सुबह सुबह हर विद्यार्थी को भींगा हुआ चना और गाजर खाना चाहिए। गाजर हो, बीट हो, ये सब सुबह सुबह खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये सभी विद्यार्थी को देखिए, ये भीगा हुआ चना है, ये गाजर, सब गाजर को नहीं खा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं फिर अभी नाश्ता करूँगा, फिर क्लास जाऊँगा, फिर आपसे मिल रहे हैं नाश्ता करने के बाद। चलिए, मैं नाश्ता कर लिया हूँ, अब हम क्लास के लिए जाऊँगा। आज आप लोग के सामने एक टॉपिक लाऊँ, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। प्रत्येक दिन, जैसे कल बताए थे एक विद्यार्थी के बारे में, आज फिर एक विद्यार्थी के बारे में, लेकिन दूसरा टॉपिक आज आप लोगों के सामने हम बताएंगे कि पढ़ने मन नहीं लगता है क्यों। जैसे कि जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, जहाँ भी पढ़ते हो, उस टेबल या उस जगह पर सबसे पहले मोबाइल बगल रखना ही है, बगल में मोबाइल रखने से क्या होगा, पढ़ते पढ़ते आपका अब ध्यान मोबाइल में चला गया। अब मोबाइल में जैसे गया तो आप मोबाइल चलाने लगते हो, अब मोबाइल चलाने लगते हो तो आप फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि मोबाइल एक आदत हो गई है आपको, इस आदत, उस आदत को ख़त्म करना है। आदत लगने मत दीजिए आपको, जब मन करता है चलिए पढ़ने हो गया, एक कोई सॉन्ग सुन लेते हैं तो अपना मोबाइल फिर चला कर सॉन्ग सुनिए, ठीक है। तो यही नहीं कि आप मोबाइल आपको एकदम बंदी बना रखा है, आप मोबाइल को बंदी बनाइए, उसको बंदी मिस उसके कंट्रोल में मत रहिए, आपके कंट्रोल में मोबाइल होना चाहिए, लेकिन मोबाइल के कंट्रोल में आप नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया अभी के समय में, मोबाइल के कंट्रोल में आप है, यही तो सबसे बड़ा दोष है कि आपके कंट्रोल में मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के कंट्रोल में आप न हो, इसलिए दोबारा ये सब बता रहे हैं। जब भी पढ़ते हो तो बगल में ऐसा कोई भी सामान मत रखिए कि आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो, तो आकर्षित हुआ तो उधर चले गए, उधर गए तो अब जैसे कि कोई किसी का आदत क्या है, लेट के पढ़ना, लेट के पढ़ना बहुत आदत खराब है। उसमें क्या होता है, लेट के पढ़ते 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 कॉपी फेंका गया दूसरे साइड, आप फेंका गया दूसरे साइड, नींद लग गई, सुबह हो गया, यही तो होता है। तो जब भी पढ़ने बैठिए तो आप जैसे कि आपको आज टारगेट बनाई कि आज हमको ये चीज़ को पढ़ना है, इतना घंटे, तीन घंटा, मतलब कि तीन घंटा, अब ये नहीं कि लगातार तीन घंटा पढ़े, एक एक घंटा पढ़े, एक घंटा जैसे पढ़े उस उठ के थोड़ा दस कदम चल लीजिए, उसके बाद कुछ पानी पी लीजिए दो गिलास और फिर पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। वैसे नहीं कि लगातार पढ़ने से क्या था, बोरिंग सा लगेगा, एक से दो दिन, तीन दिन, चार दिन पढ़ पाइएगा, एक सप्ताह पढ़ पाइए, फिर उसके बाद तो पढ़ने के मन ही नहीं करेगा, कभी आपको नहीं पढ़ने का मन करेगा। इसलिए ध्यान को भटकाइए मत, एक जगह एकत्रित कीजिए। जैसे कि आप पढ़ते समय कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी मत सोचिए कि उधर जो मन करता है पहले कर लो। जैसे कि खाने मन करता है, पानी पीने मन करता है, मोबाइल देखने मन करता है, मोबाइल में एक कोई वीडियो, छोटा मोटा वीडियो, दो चार मिनट का वीडियो देख लिए, फिर पढ़ने में लग जाइए, ठीक है। तो ऐसा कभी मन मत कीजिए कि पढ़ते पढ़ते कुछ तो सोचने लगे, फिर सोचते उसी में आगे बढ़ गए, उसी में फिर कॉपी रह गया सामने, भूल गए, एक घंटा सोचने के बाद पता चला कि मैं तो पढ़ने बैठा था, आज तो मैं कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब, मैं सपने में खो गए। तो उस सपना को पकड़ना है कि मैं पढ़ते समय ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा कि मेरे हमको उस बात की ओर ध्यान आकर्षित हो, कॉपी खुला ही रह जाए, ठीक है। चलिए, फिर यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इस तरह के वीडियो फिर आपके सामने आता रहेगा, ठीक है, प्रत्येक दिन की तरह, पर फिर कल भी उसी तरह मिलेगा, कुछ न कुछ नया टॉपिक।